लुईस हे कहती हैं कि हम में से बहुत से लोग बाहर की चीजों में चेंज लाना चाहते हैं, दूसरे लोगों को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद में चेंज नहीं लाना चाहते। सब लोग चेंज हो जाए लेकिन मैं तो ठीक हूँ, सही हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन आपको समझना होगा जो भी चेंज आप करना चाहते हो उस चेंज की शुरुआत आपको अपने अंदर से करनी होगी। चेंज का मतलब है जब आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को चेंज करना शुरू करते हो, डर की फीलिंग्स, किसी के दूर जाने की फीलिंग, किसी चीज को खोने की फीलिंग, गुस्से की फीलिंग, जेलिसी की फीलिंग, पेन की फीलिंग, इन सारी नेगेटिव फीलिंग्स को चेंज करके ही स्टेट ऑफ पीसफुलनेस में पहुंचोगे, जहां पर आप रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे और बदल पाओगे, ये सोचकर कि सब कुछ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको अपनी लाइफ को, दूसरों की लाइफ को और सबको प्यार के साथ देखना शुरू करना होगा। आपकी लाइफ एक छोटी चीज नहीं है, ये बहुत ही वंडरफुल चीज है। जेरल्ड जेम फॉल्स की कहते हैं कि लव का मतलब है अपने डर को दूर कर देना। प्यार और डर एक जगह पर नहीं हो सकता, कहीं ये चीज या इंसान दूर ना हो जाए, चला ना जाए, मुझे अकेला ना छोड़ दे। ये सारी चीजें आपके डर का हिस्सा है और इसी चीज को हमें बदलना है, इसी डर की फीलिंग को प्यार की फीलिंग की तरफ ले जाना है, और हमें कोशिश करनी है कि हम लोग हमेशा ही ऐसे स्टेट में रहे। याद रखो, जो चेंज आप बाहर देखना चाहते हो उसकी शुरुआत आपको अपने अंदर से करनी होगी और खुद से करनी होगी। लोगों में नहीं, खुद में एक अच्छा चेंज लाने की ट्राई कीजिए। लोग हमेशा बाहर देखते हैं कि कोई आएगा और उनकी हेल्प करेगा, उनकी लाइफ बदल देगा, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब आप ये रियलाइज करें कि आप ही वो हो जो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है कि आप अपनी हेल्प कर सकते हो। बाहर से गाइडेंस लीजिए, लेकिन उसको अप्लाई तो आपको खुद ही करना होगा। आपको जिंदगी को एक विक्टिम की तरह नहीं बल्कि इस तरह देखना है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो। और वो पावर जिनको आप भगवान, अल्लाह, गॉड कुछ भी कहते हो, या फिर आपकी हायर सेल्फ आपके साथ है और आपको गाइडेंस और प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और ये एक बहुत ही वंडरफुल चीज है जब आप बाहर किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड नहीं रहते और इस चीज पर विश्वास करना शुरू करते हैं कि आप उस पॉजिटिव एनर्जी की मदद से, जिसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, उसकी मदद से अपनी लाइफ को बदल सकते हो। अगर आप एक विक्टिम की तरह सोचते हो तो आप हमेशा डर और पेन में रहोगे और ऐसा ही सोचोगे कि दूसरे लोग आपको अच्छा फील करवाएंगे, वो अच्छे से बात करेंगे तब आप अच्छा फील करोगे। लेकिन अब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ले रहे हैं। अब यहाँ पर आपको अपने ओल्ड नेगेटिव बिलीव्स और ओल्ड नेगेटिव हैबिट्स को पकड़ना होगा, जिनको आप बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, और फिर इसको न्यू पॉजिटिव बिलीव्स और पॉजिटिव हैबिट्स के साथ चेंज करना होगा, और फिर इनको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, जिससे हम पूरी तरह से पॉजिटिव बन जाए और पॉजिटिविटी हमारे लिए नेचुरल बन जाए। अब जब आप अपने अंदर चेंज लाना शुरू करोगे तो ये एक दिन में नहीं होने वाला। चेंज लाते टाइम आप कभी कभी ओल्ड बिलीव्स और ओल्ड हैबिट्स को फॉलो कर लोगे, अनजाने में ऐसा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो नेगेटिविटी आपने इतनी प्रैक्टिस की है कि आज वो आपके लिए नेचुरल है। आपको अपने ऊपर गुस्सा भी आएगा कि जब मुझे पता है कि ये चीजें मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं इनको फॉलो क्यों कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जिस तरह से जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो उसमें समय लगता है, उसी तरह से जब आप अपनी कोई हैबिट बदलते हैं, जब आप नया बिलीफ बनाते हैं, जब आप कोई नई आदत बनाते हैं, तो उसमें भी समय लगता है। जब भी आप अपनी बिलीफ को, अपनी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो जो आपकी नेचुरल स्टेट है, मतलब आपके नेगेटिव बिलीफ, आपके नेगेटिव हैबिट्स, आप उनको बीच बीच में फॉलो कर लोगे, और ये एक नॉर्मल चीज़ है। इसमें अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको चेंज करने की प्रैक्टिस करते रहना है, जब तक आपके लिए पॉजिटिविटी, पॉजिटिव हैबिट्स, पॉजिटिव बिलीव्स नेचुरल ना बन जाए।
आपको पता है, आप एक एफर्मेशन बोलना शुरू करोगे और सब कुछ ठीक जा रहा होगा, लेकिन सडनली आप कुछ नेगेटिव कर दोगे और फिर आप अपने आप से ये बातें करने लगोगे, लगता है मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, और आप उसी नेगेटिव बिलीफ में पहुंच जाओगे। और ये एक नॉर्मल चीज़ है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये चीज़ बीच बीच में हो, आप रेगुलरली ऐसा ना सोचते रहें। ये चीज़ बीच बीच में होती रहती है जब आप अपने अंदर चेंज लाते हो। आपको इस चीज़ में पेशेंस के साथ काम करना होगा। कोई भी चीज़ आप पेशेंस से ही कर सकते हो या बदल सकते हो। अगर आप जल्दी जल्दी चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा, और अगर आप जल्दी में रहोगे तो आप अपने ऊपर स्ट्रेस डालोगे, आपकी नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाना है, आपको अपने आप को नेगेटिविटी से नहीं भरना है। कभी कभी हमें बाहर देखने की नहीं, अपने अंदर देखने की ज़रूरत होती है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ, या मैं गलत एक्शन ले रहा हूँ, या मेरी हैबिट्स गलत है। और इस चीज़ के बारे में आपको सोचना होगा। लुईस ये कहती हैं कि कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं और वो फिर कहते हैं कि मैं एक बड़ा घर लेना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और फिर लुईस से उन्हें बताती है कि क्यों ना आप जो भी कह रहे हैं सिर्फ इसको चेंज कर दें। आप कहें कि सही समय आने पर मेरे पास बहुत अच्छा पैसा होगा। और ये एक छोटी सी चीज़ है, जहाँ पर आप एक नेगेटिव चीज़ बोल रहे थे, बस आपने उसको पॉजिटिविटी से रिप्लेस कर दिया। बस आपको ये करना है, जब भी नेगेटिविटी आए तो पॉजिटिव सोचते रहिए, और कुछ भी हो तो पॉजिटिव सोचिए। और ये एक तरीका है जिस तरीके से आप अपनी बाहर की दुनिया को देखते हैं। ये मत होने दीजिए कि बाहर जो हो रहा है वो आपकी थिंकिंग पर असर डाले। इस तरह से बनाइए कि आप जैसा सोचोगे बाहर की सिचुएशन को आप उस नज़रिए से देखोगे। आप फेल होने पर ये भी सोच सकते हो कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, या फिर आप फेल होने पर ये भी सोच सकते हो कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा और अगली बार मैं पक्का इस चीज़ को करके रहूँगा। दोनों चीज़ें सेम ही सिचुएशन के बारे में हैं, लेकिन एक नेगेटिव एफर्मेशन है और एक पॉजिटिव एफर्मेशन है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस सिचुएशन को देखकर क्या सोच रहे हो। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम बहुत पेन में हैं, हम बहुत लो फील कर रहे हैं, और वो पेन वर्ड को इतनी बार यूज़ कर लेते हैं कि वो उनका एक बिलीफ बन जाता है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। अब इस वर्ड को आपको रिप्लेस करना होगा। अब वो वर्ड आप खुद चूज़ कर लीजिए, कोई पॉजिटिव वर्ड। मुझे पता है अब सब ठीक हो जाएगा, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एक थॉट को चेंज करने से आपकी फीलिंग चेंज होगी, आपका सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदलेगा, आप अलग तरीके से सोच पाओगे और एक्शन ले पाओगे, आप एक सिचुएशन को और अच्छे से हैंडल कर पाओगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव बोलते जा रहे हो, पहली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, दूसरी चीज़ आप अच्छे से एक्शन या डिसीज़न नहीं ले पाओगे, क्योंकि नेगेटिविटी में हम बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। इसीलिए जब आपको ये कहा जा रहा था कि अपने बिलीफ्स जब आप चेंज करें तो पेशेंस रखें, इसका कारण ही यही था कि जब आप जल्दी में होते हो तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काम करते हो। इसलिए अगर आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हो तो ये चीज़ याद रखो कि आप जो चीज़ आपके लिए नेचुरल बन चुकी थी, वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव बिलीव्स, वो नेगेटिव सोच, वो नेगेटिव एक्शन, वो नेगेटिव हैबिट, अब आप उनको चेंज कर रहे हो। और याद रखो, कोई भी नेचुरल चीज़ आप एकदम से नहीं छोड़ सकते, वो आपकी आदत बन चुकी है, और उस आदत को, उस नेगेटिविटी को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एक चीज़ जिसको आप 5 सालों से फॉलो कर रहे हो और अब आप चाहते हो आप एक दिन में उसको छोड़ दो, तो ये नहीं होने वाला। अपने आप को थोड़ा समय दो। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप नेगेटिविटी को देख पाएं। बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि असली कमी हमारे अंदर है। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपनी सोच को, बिलीफ को, एक्शन को बदलने की ज़रूरत है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग बाहर की चीज़ें चेंज हो जाए तब हम अच्छा फील करेंगे। बाहर जो चीज़ें चल रही है, जो दूसरे लोग हैं, वो हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि बाहर कुछ भी हो आपकी मेंटल स्टेट पर वो असर ना डाले,
आपको इस तरह से अपने आप को बनाना होगा, तभी अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने आएगी भी तो आप उससे बहुत जल्दी ओवरकम कर लोगे। इसलिए आपके अंदर जो नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव हैबिट्स और नेगेटिविटी है, उसको बिल्कुल ईमानदार होकर पहचानिए, वरना आप अपने अंदर इम्प्रूव नहीं ला सकते। लोगों में गलतियां निकालना छोड़िए। अगर आपको देखना है तो देखिए कि आप किस किस जगह पर नेगेटिव हो। आपके अंदर बुरी आदतें हैं, आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो, आप बहुत जल्दी में रहते हो, आप जल्दी से चेंज लाना चाहते हो। इन चीज़ों को रियलाइज़ कीजिए और फिर इन चीज़ों पर काम कीजिए। आपको काम कैसे करना है ये समझो। नेगेटिव सोच रहे हो तो प्रैक्टिस कीजिए बार बार पॉजिटिव चीज़ें अफर्म करने की। आप नेगेटिव हैबिट्स में हो तो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हैबिट्स को बनाने की। एक दिन में आप चेंज नहीं ला पाओगे, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप सच में चेंज होना चाहते हैं। अभी आपकी ज़िंदगी जैसी भी है, वो इसलिए है क्योंकि आपने कुछ ऐसे एक्शन, कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसे थॉट्स और कुछ ऐसी एनर्जी अपने आसपास डेवलप कर ली है कि उससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। इसलिए आपके साथ सेम चीज़ें हो रही है। आपने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि आपके साथ बहुत बार सेम चीज़ें बार बार हो जाती है। कोई आपको बार बार चीट कर देता है, आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप सेम तरीके से सोच रहे हो, सेम तरीके से फील कर रहे हो, सेम तरीके के एक्शन ले रहे हो और फिर आप ये चाहते हो कि आपको अलग रिजल्ट मिले, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंज लाना होगा, अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। उसके बाद अपनी हैबिट्स को, अपने नेगेटिव बिलीव्स को चेंज करना होगा। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि मैं जैसा हूँ मैं तो वैसा ही रहूँगा। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर की नेगेटिविटी को मैं ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को किसी भी तरीके से अगर इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मैं वो करूँगा। जितने भी पॉजिटिव चेंज मैं अपने अंदर ला सकता हूँ मैं वो करूँगा। मैं अपनी हेल्थ का, अपने थॉट प्रोसेस का ध्यान रखूँगा और अपने लिए वो चीज़ें करूँगा जो मेरी रिलेशनशिप के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरे करियर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। इस चीज़ को सेल्फ लव कहते हैं। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है मैं तो जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। ये एक बेवकूफ़ी भरी चीज़ है। तो इस चीज़ को आज लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।